कानपुर आगजनी मामले में सपा विधायक इरफान सोलंकी की सभी उम्मीदों पर अब पानी फिर गया है। मामले में फैसला नहीं आने पर वो अब तक जेल से बाहर आने की आस में बैठे थे, लेकिन शुक्रवार को कोर्ट से तगड़ा झटका लगने के बाद इरफान की सभी उम्मीदों ने दम तोड़ दिया। मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उन पर 30,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस केस में इरफान के साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी, साथी शौकत अली, मोहम्मद शरीफ और इजराइल को भी 7-7 साल की सजा और सभी पर जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की बेंच ने सभी को सजा सुनाई है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही अब सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी भी चली गई है। मामले में इसी महीने की शुरुआत में कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया था, जिस पर शुक्रवार को अब ये फैसला सुनाया गया। मामले में सभी पर आरोप साबित हुए, वहीं फैसले के खिलाफ अब इरफान के वकील हाईकोर्ट का रुख करेंगे। कानपुर के जाजमाऊ के डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लॉट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी, जिसके बाद पीड़िता नजीर ने इरफान सोलंकी समेत सभी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और प्लॉट हड़पने की मंशा से आगजनी का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट के इस फैसले के साथ अब इरफान सोलंकी बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनके सियासी करियर पे भी खतरे का बादल छा गया है। लेकिन अब सबकी नजरें हाई कोर्ट पर रहने वाली हैं, क्योंकि इरफान पर अब हाई कोर्ट का रुख करने वाले हैं, पर इसके लिए फिलहाल अभी इंतजार करना होगा।